गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास सिक्स्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। नाउ स्टूडेंट, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एलजेब्रा कॉन्सेप्ट्स टू बी लर्न। फर्स्ट, ऑब्जर्विंग एंड जनरलाइजिंग द पैटर्न। नेक्स्ट, जनरलाइजिंग पैटर्न्स। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। Next, use of variables in geometry and arithmetic. Next, translate the statements into mathematical forms. Next, application of algebraic expressions. We have learned in early classes about numbers. हमने इसके पहले वाली क्लासेस में नंबर्स के बारे में रीड किया था। ऑपरेशन ऑन नंबर्स इन अर्थमेटिक्स, इन ज्योमेट्री, व्हेन वी राइट अ फॉर्मूला फॉर एरिया और पैरामीटर विथ लेटर्स एज एल इंटू बी और टू ब्रैकेट एल प्लस बी फॉर रेक्टेंगल्स वेयर एल रिप्रेजेंट लेंथ एंड बी रिप्रेजेंट ब्रेथ। एल जो है वो लेंथ को और बी जो है वो ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। For any rectangle, we actually used another branch of mathematics called algebra. इसकी another branch में mathematics के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं? Algebra. Let's learn more about it. हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। Introduction. The word algebra comes from Arabic words al, al-zab. By the Persian mathematicians known as Al-Khwarizm. The main features of algebra are the numbers are represented by letters such as X, Y, Z, A, F, C, its and are known as variables. A symbol with a fixed numerical value, जो symbols होती है उनकी value जो होती है वो fixed होती है, is called a constants. Numbers 0, 1, 2, 3 are all consist as they have fixed value. इनकी value क्या होती है? Fixed होती है. Rule and formula can be write in generalized form. यहाँ पे हम rule follow करते हैं और formula apply करते हैं. All operations like addition, subtractions, multiplications and divisions can be formed. और यहाँ पे हम क्या सॉल्व करते हैं? Addition, subtraction and multiplications and or problems सॉल्व करते हैं। Before we move forward, let's learn to generalize some patterns. Let's go back to the class when we learned write English algebra using vertical, horizontal and slanting lines. Here we can be matchsticks or straw. हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? Matchstick और straw. Later, we use किया है, हमने क्या write किया है यहाँ पर? We, हमने two matchsticks रखी है, तो two is equal to two into one. Number of matchstick used, हमने कितनी matchstick use किए? Two. वन टू, हमने टू भी यहाँ पर राइट किए हैं, वन एंड टू, वन एंड टू, टोटल कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई है? टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर एंड टू इंटू टू मीन्स फोर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टू प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स मीन्स टू इंटू थ्री। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट मीन्स टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू एट। 2 इंटू फोर, टोटल कितने हैं? 2 टू मैच स्टिक यूज़ हो रही है इसलिए 2 एंड 1 2 3 4 वी हैं इसलिए 4, 2 इंटू फोर, जहाँ 2 तो एक हमारे लिए कॉमन है क्योंकि हमने 2 मैच स्टिक यूज़ करी है एंड देन 4 जो है वो हमारे लिए n है क्योंकि हम यहाँ पे कितने भी यूज़ कर रहे हैं। ओके, व्हेन वी जनरलाइज्ड द रूल इट्स बिकम 2 एंड वेयर n इज नंबर ऑफ लेटर्स v। नाउ ट्राई टू फाइंड हाउ मैनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड टू फ्रॉम 150 लेटर्स। अगर हम 150 लेटर्स राइट करते हैं तो हमें टोटल कितनी मैचस्टिक यूज़ होगी? लेट्स
observe another pattern and try to generalize it. We know that a triangle can be formed used three matchstick as shown here. ट्राइंगल हमने यहाँ पे थ्री मैचस्टिक यूज़ किए हैं, हम उसके लिए ट्राइंगल के लिए थ्री मैचस्टिक यूज़ कर रहे हैं, मीन्स थ्री नंबर। देन यहाँ पे हम टू ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक मैचस्टिक कॉमन है, तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव। तो थ्री अगर हम टू ट्राइंगल यूज़ करते हैं तो हमारे पास सिक्स होना चाहिए था, बट यहाँ पर हमने एक मैचस्टिक कॉमन लिए इसलिए हम यहाँ पे फाइव अप्लाई करेंगे। देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, हमारे पास थ्री ट्राइंगल है बट हमारे पास यहाँ पे हमने टू मैचस्टिक कॉमन लिए तो हमारे पास टोटल सेवन मैचस्टिक यूज हुई है। वन टू थ्री फोर, फोर ट्राइंगल यूज़ किए हमने, इसमें से हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टोटल कितनी मैचस्टिक यूज हुई है, नाइन। कैन वी आइडेंटिफाई सम पैटर्न हियर, हम यहाँ पे एक पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट ट्राइंगल हैज़ थ्री मैचस्टिक, जो हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल उसमें हमने थ्री मैचस्टिक यूज़ किए हैं। And subsequent triangle are increased by two matchsticks. जब हम ट्राइंगल को मिक्स ज्वाइन करके अप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास में इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, टू मैचस्टिक का इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि वन ट्राइंगल में हमारे पास थ्री मैचस्टिक यूज़ हुई है, हमने टू ट्राइंगल यूज़ किए तो हमारे पास टू मैचस्टिक का इंक्रीज हुआ है, है ना। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे थ्री, थ्री प्लस टू, देन हमारे पास हमने जब थ्री ट्राइंगल लिए तो हमारे पास अगेन टू मैचस्टिक का इंक्रीज हुआ है। एंड वन टू थ्री फोर ट्राइंगल लिए हैं तब हमारे पास अगेन टू मैचस्टिक का इंक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ राइट करेंगे थ्री प्लस थ्री कोमा थ्री प्लस टू कोमा थ्री प्लस फोर कोमा थ्री प्लस सिक्स कोमा थ्री प्लस एट। या हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं थ्री कोमा थ्री प्लस टू इंटू वन कोमा थ्री प्लस टू इंटू टू कोमा थ्री प्लस टू इंटू थ्री कोमा थ्री प्लस टू इंटू फोर। वैन वी जनरलाइज इट द रूल बिकम्स टू प्लस वन प्लस टू एन। ओके, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, वन प्लस टू एन। वेरिएबल इन ज्योमेट्री एंड अर्थमेटिक्स, सम ऑफ द जनरलाइज and formula that we have already learned in geometry are: first parameter of square का parameter find करना है, इसमें total कितने sides है, वन टू थ्री फोर, तो फोर into s, s means sides। parameter of rectangle is equal to length into breadth, तो यहाँ पर आ जाएगा टू प्लस ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर एंड रिक्वायर पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्री इंटू ए, टोटल ट्राइंगल में कितने साइड से थ्री और पर साइड की लेंथ कितनी है एल, तो थ्री इंटू ए। पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन्स इज इक्वल टू एन इंटू साइड्स, वेन एन इज नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे एन क्या है, टोटल कितने पॉलीगॉन्स में कितनी साइड्स होती है वो साइड्स है, ठीक है। सिमिलरली वैन लर्निंग अबाउट प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, वी जनरलाइज दैम यूजिंग वेरिएबल्स एज मैंटोनेंट बिलोंग। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशंस होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन होगा बी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इफ ए एंड बी आर टू होल्स नंबर वन ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इनको हम कैसे भी मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी पे ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी। नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नंबर में आएगा जी एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, किसी भी डिजिट में जीरो का प्लस करने पर सेम डिजिट आता है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ नंबर, इफ वाई इज एनी होल नंबर्स वेन, यहाँ पे वाई कोई सा भी एक नंबर है, वाई इंटू वन इज इक्वल टू
वन इंटू वाई इज इक्वल टू वन। यहाँ पे वन में किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करने पर वो डिजिट सेम आती है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशंस ओवर एडिशंस। एडिशंस में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कैसे होगी, ए इंटू बी ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स,